अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइज़ आर वॉचिंग मैथलिक्स बाय हाशिम ज़िया। मेरा बेटा सेकंड ईयर मैथ्स का एक बाहर चैप्टर जो मैंने अभी तक इंटरमीडिएट मैथ्स से नहीं करवाया हुआ था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इस टॉपिक को कवर करवा सकूँ, तो चैप्टर नंबर 9 आज के क्लास में मैं कवर करवा रहा हूँ और आज की क्लास हम इसके लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो भाई ये चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 आ रहा है। मैं आपको इस टॉपिक को या इस चैप्टर को कवर करवाने का तरीकेकार बता देता हूँ। बेटा बुक के अंदर इसकी 4-5 एक्सरसाइजेज़ हैं, मैं बुक को फॉलो नहीं करूँगा। मींस ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 से कुछ क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं, मगर उनका पैटर्न करने का डिफरेंट होगा हमारा। यानी कि बुक के अंदर कुछ इररिलेवेंट बहुत सारी चीज़ें गिवन है, तो मैं इररिलेवेंट चीज़ों को नहीं कवर करवाऊंगा। वो इररिलेवेंट चीज़ें बेटा पेपर में नहीं आती। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स की तैयारी करनी है, आप सिंपली मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, आप सिंपली पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स की तैयारी ईजिली मुझसे कर सकते हैं। क्लियर है? आपने सिर्फ आंखें बंद करके चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स के तमाम लेक्चर्स को देखना है। ये हद से 2 या 3 लेक्चर्स होंगे और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। सही है भाई। अच्छा, इसकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं वो 9.2, 9.3, 4 और 5 के अंदर से कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा जब हम वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वेक्टर्स के अंदर हमारे पास, तो बेटा कहने का मकसद ये है कि आपने सिंपल तरीके से मेरे लेक्चर्स को बहुत तरीके से देखना है। अगर आपने लेक्चर्स को बहुत तरीके से देखेंगे आप इजीली पूरे चैप्टर नंबर 9 की तैयारी कर लेंगे। आपने बुक को फॉलो नहीं करना, आपने लेक्चर्स को फॉलो करना है। जाहिर सी बात है भाई, मैं बुक के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ, मगर बुक के अंदर काफ़ी इररिलेवेंट चीज़ें भी हैं। और ऐसा भी है कि यार एक कॉन्सेप्ट 9.2 में गिवन है और उसका क्वेश्चन 9.4 में गिवन है, तो इसीलिए मैं आपको मिक्स तरीके से तमाम के तमाम लेक्चर्स में क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए बुक को देख के कवर कैसे करें इस चैप्टर को, और ना बहुत से टीचर्स को समझ में आता है पढ़ाना कैसे है। तो आपने सिंपल तरीके से लेक्चर्स को फॉलो करना है, तरीके के साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, खुद भी देखना है, क्योंकि सिर्फ मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्लियर है मेरा बेटा? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं या इस चैप्टर को सॉल्व कैसे करते हैं। तो भाई वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी ले चुके हो और आपको बेसिकली पता है कि हमारे पास वेक्टर्स के टॉपिक के अंदर 3 तरह के यूजुअली कॉन्सेप्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड यूनिट वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई? हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस के ऊपर मिलता है, कोसाइन के ऊपर में मिलता है। तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी हुई, पहला फॉर्मूला लिख दिया कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कोसाइन के ऊपर मिलता है या कॉस थीटा में मिलता है। या दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो क्या होगा, कॉस वेक्टर यू इंटू वेक्टर वी इज इक्वल टू, ऊपर आता है फॉर्मूले के अंदर आपके पास दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और नीचे इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिया जा रहा होता है। कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला यूज़ कैसे होता है, अभी मैं सारे आपको बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अभी सिंपल फॉर्मूला समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन इज इक्वल टू कह सकते हो या कॉस थीटा इज इक्वल टू कह सकते हो, या कॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू दो वेक्टर्स का ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। देन नीचे हमारे पास सेकंड फॉर्मूला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा होता है साइन थीटा के फॉर्मूले वाला, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि साइन अल्फा क्रॉस प्रोडक्ट साइन बीटा इज बेसिकली इक्वल टू, ऊपर आता है दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी कि ऊपर क्या लिया जाता है, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और नीचे इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अच्छा भाई, फिर एक चीज़ होती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगेन अपने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज आपका होगा कि यूनिट वेक्टर होता है अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दूं तो बेसिकली यूनिट वेक्टर होता है। तो सेम गोज फॉर है कि यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट कर रहा होता है कि दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लो एंड देन उसको उसी के पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करवा दो, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बट डॉट प्रोडक्ट में भी यूनिट वेक्टर्स हम निकाल सकते हैं, आगे चल के भी क्वेश्चंस के अंदर तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर भी हमने क्लास के अंदर बेसिक फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया, अब मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। बारी बारी मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो चैप्टर नंबर 9 में गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट के भी करेंगे, यूनिट वेक्टर के भी करेंगे। अब देखिए बेटा हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 का। आपने एक्सरसाइज नंबर नहीं ऊपर नहीं जाना भाई, मैं मिक्स एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये कि भाई बुक के अंदर ऑर्डर बहुत डिफरेंट गिवन है। आई बिलीव 9.2 या 9.3 का वैसे क्वेश्चन होगा, बट आपने इस तरीके ढूंढने में मत जाइएगा, आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बुक के अंदर अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट है। एक क्वेश्चन एक टॉपिक का गिवन है 9.2 में, दूसरा गिवन है 9.4 9.5 के अंदर वर्डन वाले, यानी कि बुक में मसले मसाले हैं। तो आपने खाली इन लेक्चर्स को तरीके से फॉलो करना है, आपके इजीली 100 out of 100 नंबर आएंगे इस टॉपिक के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि U और V दो वेक्टर्स हैं, तो बताओ cos U डॉट V क्या होगा, यानी कि cos का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इन दो वेक्टर्स के ऊपर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास U और V के हैं दो वेक्टर्स हैं तो बताओ cos U डॉट V की वैल्यू क्या होगी। अब और से देखिए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए आपको वैक्टर यू की वैल्यू गिवन है। सही है मेरे बेटा, आपको वैक्टर यू की वैल्यू क्या गिवन है,
भैया आपको वेक्टर यू की वैल्यू गिवन है, इट इज सिंपली 2i माइनस का 6j प्लस का 3k। और आपको वेक्टर वी की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, आपको वेक्टर वी की वैल्यू गिवन है आई प्लस का 2j माइनस का 2k। सही है, आपसे कहा जा रहा है क्या निकाल के बताओ, डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ, कॉस थीटा क्या होता है या कॉस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो आपसे कह रहा है कि भाई कॉस यू डॉट वी निकाल के बताओ। सही है, सो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं है। आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख देंगे, एज वी नो डेट, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है भैया, एज वी नो डेट। मेरा बेटा डॉट प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस यू डॉट वी किसके बराबर होगा भैया, ये बराबर होगा ऊपर आता है यू डॉट वी का डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या होता है, नीचे वेक्टर यू और वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। सही है भाई, तो हमारे पास ये बेसिकली ओरिजिनल फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है। इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या चीज़ आ रही है, वेक्टर यू डॉट वेक्टर वी आ रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली चीज़ को फाइंड कर लेते हैं, सो फॉर यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, सबसे पहले किसको फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर यू डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वी को, यानी कि सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं यू और वी का। क्लियर है मेरा बेटा, ओके। सो हमारे पास वेक्टर यू की वैल्यू क्या आ रही है, वेक्टर यू की वैल्यू आ रही है 2i माइनस का 6j प्लस का 3k डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर वी की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, ये आ रही है i प्लस का 2j माइनस का 2k। ये वैल्यू मेरा बेटा आप तमाम लोग बोलेंगे सर बिल्कुल यही है। अब देखो दो वेक्टर्स के दरमियान मेरा बेटा डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, कभी भी आपको दो वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बहुत ही इजी होता है, आपने सिंपल सिमिलर कंपोनेंट को सिमिलर टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई होगी तो 2i इंटू आई क्या हो जाएगा सिंपल, इट विल बिकम 2, क्योंकि i डॉट i बेसिकली 1 के बराबर होता है। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज होता है कि सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के बराबर। तो मैं लास्ट के अंदर एमसीक्यूज भी चैप्टर कवर करवा दूंगा आपको। अच्छा भाई, तो 2i इंटू i क्या हो जाएगा सिंपल 2 हो जाएगा, माइनस का 6j प्लस का 2j क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से, ये हो जाएगा नेगेटिव का 12 हो जाएगा। अच्छा बेटा आगे मूव करते हैं, आगे क्या है, प्लस का 3k इंटू नेगेटिव का 2k, तो क्या बन जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। तो दो में से अगर आप 12 निकाल दो और फिर आप नेगेटिव का 6 कर दो, देखो नेगेटिव का 12 और नेगेटिव का 6 तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 12 और नेगेटिव का 18 हो गया, और नेगेटिव की 18 में प्लस का 2 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का 16। यानी कि हमारे पास यू डॉट वी के वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 16 आ गई। क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी मसला, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी मसला। भाई देखो आपसे कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कॉस का डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स के ऊपर, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, हमने सबसे पहले दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब नीचे क्या है, नीचे इन दोनों वेक्टर्स का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है, नीचे क्या है, नीचे इन दोनों वेक्टर्स का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है, आइए वो भी फाइंड कर लेते हैं। यानी कि वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड वेक्टर वी से आपने निकालना है, तो भाई सिंपल तरीके से अब सबसे पहले आप फाइंड कर लोगे फॉर वेक्टर यू मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, लेट सपोज आपको वेक्टर यू का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर यू की वैल्यू क्या आ रही है 2i माइनस का 6j प्लस का 3k। मेरा बेटा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने कुछ भी नहीं करना, रूट के अंदर तमाम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर देना है। तो i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा प्लस का सिंबल, j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो तो नेगेटिव 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आपके पास क्या प्लस का 3 है तो प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव के 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये सिंपल तरीके से क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 प्लस 36 प्लस का 9, 4 प्लस 36 प्लस का 9 क्या हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे पास 4 प्लस 36 ही हो गया सिंपल तरीके, 40 प्लस 9 49 हो गया, तो रूट 49 बन जाएगा। यानी कि वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा होगा रूट 49, और 7 का स्क्वायर ही क्या होता है 49 होता है। तो सिंपल तरीके से मेरे पास यानी कि वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 7 आ गया। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होती है, यहाँ तक की बात आई होप सबको क्लियर होती है, यहाँ तक हमने कोई भी मुश्किल बात नहीं करी, बड़ी आसान सी बात करी हम लोगों ने कि हमने क्या करा भैया वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ फॉर वेक्टर वी। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं भैया, अब सिंपल तरीके से वेक्टर वी के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे फॉर वेक्टर वी। अब हम लोग बेसिकली वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मेरा बेटा वेक्टर वी की वैल्यू क्या है, देखो वी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वेक्टर वी की वैल्यू मेरे पास है आई प्लस का 2j, आई
प्लस का 2j, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है आई प्लस का 2j माइनस का 2k, क्या है आई प्लस का 2j माइनस का 2k, ये रही भाई आई प्लस 2j माइनस 2k। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहता हूँ तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा, मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपली फॉर्मूला क्या है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर जे कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास जे कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 2 का स्क्वायर, फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव के 2 का स्क्वायर। तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम ऑब्वियसली हमारे पास 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और नेगेटिव 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन ये भी हो जाएगा 4। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 4 + 4 = 8 एंड 8 + 1 = 9, क्लियर है, और √9 किसके बराबर होता है, बराबर होता है 3 के। तो हमारे पास वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के बराबर, यानी कि वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के, क्लियर है भाई यहाँ तक की बात, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी मसला, यहाँ तक हम लोगों ने सिंपल तरीके से क्या करा, तमाम के तमाम चीज़ों को इंडिविजुअली फाइंड कर लिया, यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी ना, फॉर एग्जांपल सबसे पहले यू डॉट वी का डॉट वर्ड चाहिए था हमने वो फाइंड कर लिया, फिर वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड चाहिए था सिंपल तरीके से निकाल लिया, फिर वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड चाहिए था सिंपल तरीके से निकाल लिया। तो भाई डॉट वर्ड कैसे लेते हैं, सिमिलर टर्म्स को सिमिलर टर्म से मल्टीप्लाई करवा के, आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई होती है, के वाली टर्म के से मल्टीप्लाई होती है, सबको एड सेपरेट करवा दो के आंसर आ जाता है डॉट वर्ड का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी वेक्टर आ रहा है उसके अंदर जो भी आई वाली टर्म उसका स्क्वायर लोगे, जे वाली टर्म का स्क्वायर लोगे, के वाली टर्म का स्क्वायर लोगे, अंडर रूट के अंदर सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। अब जब हमने तमाम चीज़ें फाइंड कर ली, सबको डाके इक्वेशन नंबर 1 में वापस डाल देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम, क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स। तो भैया इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या बनेगी, आइए देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, क्या है मेरा बेटा, ये आ रही है cos u डॉट v, क्या आ रही है सिंपल तरीके से, ये आ रही है cos u डॉट v, किसके बराबर है भैया, ये बराबर है वेक्टर u डॉट वेक्टर v डिवाइडेड बाय वेक्टर u का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, है ना भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो तमाम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करवा दूंगा, देखो वेक्टर u डॉट वेक्टर v की वैल्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव का 16, क्या है मेरा बेटा, नेगेटिव का 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का 16, क्या आ गया भैया, नेगेटिव का 16। नीचे क्या आ रहा है, नीचे मेरा वेक्टर यू की वैल्यू आ रही है, वेक्टर यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 आ गई, वेक्टर वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ गई 3 आ गई। तो क्या बन गया, बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 16, 7 3 सर क्या होता है भैया 21 होता है। तो आपके पास इस तरीके से फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि cos u डॉट v बेसिकली बराबर है किसके, नेगेटिव के 16 डिवाइडेड बाय 21 के। इस तरीके से फाइनली क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे देख के बताइए इस क्वेश्चन में कोई भी मसला, मेरे ख्याल में वैसे मसला होना तो नहीं चाहिए मेरा बेटा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज़ आपको क्लियर करके समझाई है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि इसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा। हमने सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया, सबसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाला और सिंपल तरीके से उड़ा के फॉर्मूले में डाल दिया। तो अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, या कोसाइन फाइंड करने के लिए, हम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिंपल डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट वाले। तो अभी हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आगे मूव करेंगे मेरा बेटा। अच्छा तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस चीज़ का, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्या कहता है, कहता है अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इनके दरमियान का। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि साइन ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू बता दो, यानी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ साइन की वैल्यू क्या होगी दो वेक्टर्स के दरमियान, यानी कि क्वेश्चन चेंज हो के आ सकता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बेटा फॉर्मूला बता दिए थे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सरसाइज 9.5 के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद होगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे, बट आपने अगेन बुक को फॉलो नहीं करना, आप तरीके से अगर मेरे लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो चैप्टर नंबर 9 पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा तो क्या करना चाहेंगे मेरा बेटा, इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं अब की बारी के अंदर, कह रहे हैं कि भैया दो वेक्टर्स आपको दिए हुए, कहा जा रहा है कि इनके दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, या कह देगा साइन ए क्रॉस प्रोडक्ट बी निकालो, या कह देगा सिंपल साइन निकालो दो वेक्टर्स के दरमियान का। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, और से देखिए आपको वेक्टर ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, आपको वेक्टर ए यहाँ पे क्या गिवन है, ये गिवन है भैया हमको 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, और आपको वेक्टर बी की वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है i माइनस का j प्लस का k। आपसे कहा जा रहा है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ना भाई, आपसे क्या कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब देखें कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। अच्छा हम फॉर्मूले में बाद में जाएंगे, चलो पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना सीख लेते हैं। अच्छा सो वी विल फाइंड, ये वी नो डेट
हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर मूव करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि अगर दो वेक्टर से आपको कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, आपको क्या फाइंड करना है, अगर ए क्रॉस प्रोडक्ट बी फाइंड करना है। और अच्छा, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है साइन वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। सही है ना मेरा बेटा? सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम ए क्रॉस प्रोडक्ट बी को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है साइन वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का किसके बराबर है, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए और वेक्टर बी के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो इसीलिए आपको सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ जाएगा, इसीलिए आपको सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हमें यह फाइंड करना पड़ेगा मेरा बेटा। तो फॉर सबसे पहले किसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, फॉर वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के ऊपर। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, और ये तरीकेकार क्या है, देखो आपके पास वेक्टर ए की वैल्यू ये है, वेक्टर बी की वैल्यू ये है, अगर आपको दो वेक्टर्स के दरमियान कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट के डंडे बनाओगे, क्या बनाओगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल लोगे, और जो भी इन दोनों वेक्टर्स के अंदर आपके कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको लिख दो आई जे और के। अब पहले वेक्टर की तमाम वैल्यूज इन कंपोनेंट के नीचे लिखो, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, जो भी आ रही है फर्स्ट रो में आ जाएगी, ये आ रही है 2 और 2i, तो i के नीचे 2 आ गया, 3j तो j के नीचे 3 आ गया, 4k तो k के नीचे 4 आ जाएगा, और वेक्टर b की वैल्यू क्या है, i, i का मतलब i का कोफिशिएंट 1, तो i के नीचे 1 आ जाएगा, नेगेटिव के j का मतलब क्या, j के नीचे नेगेटिव का 1 आ जाएगा, k का मतलब क्या, प्लस का 1, तो जो जौन सा कंपोनेंट है उसके नीचे वही आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करवाओगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करवाती है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा मैट्रिक्स है 3x3 का, कि मैंने आई वाले कंपोनेंट को ले लूंगा, इस रॉ को इस कॉलम को इग्नोर कर दूंगा, क्या बचा, ये बचा 3, 4 नेगेटिव 1 प्लस का 1। अब दूसरे टर्म को मैं जे के साथ कबूल करूंगा, सही है। अब ये जे जिस रॉ में आ रहे हैं, जिस कॉलम में आ रहे हैं, वो एलिमेंट इग्नोर हो जाएंगे, उसके अलावा 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2, 1, 4 एंड प्लस का 1। क्लियर है मेरा बेटा? लास्ट कंपोनेंट क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो प्लस का के आ जाएगा, ये के जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2, 3, 1 और नेगेटिव 1। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, आई का आई आ गया, 3, 1, 3 नेगेटिव का 1 × 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4 हो जाएगा, माइनस का जी एज इट इज 2, 1, 2 4, नेगेटिव का 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई 3, 1, 0 क्या हो गया मेरा बेटा, 3, 1, 0 3 हो गया, नेगेटिव का साइन एक होता है फॉर्मूले को, नेगेटिव 1 × 4 क्या हो जाएगा, हमें प्लस का 4 आएगा, सॉरी, अच्छा नेगेटिव का जे का नेगेटिव चाहिए एज इट इज, प्लस का 1 × 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2, नेगेटिव का साइन होता है फॉर्मूले का, और 4, 1, 0 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। सिंपल तरीके से यहाँ पे आगे क्या हो गया, के का के एज इट इज, यहाँ पे देखो माइनस 1 × 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये माइनस साइन होता है फॉर्मूले का, 3, 1, 0 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा एज इट इज का एज इट इज। अच्छा अब ये क्या बन गया, ये बन गया 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7i बचा, दो में से तुम 4 निकालो तो माइनस का 2 बचेगा, -2 × -j क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 2j, और माइनस माइनस प्लस का 2j सॉरी, और यहाँ पे क्या हो गया, -3 -5 प्लस का के, तो माइनस का 5k हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 5k। इस तरीके से आपके पास वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यूज आ जाएंगी, इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएंगी, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होती है, कोई मसला किसी बच्चे को, कोई परेशानी किसी बच्चे को, आई होप सबको क्लियर होगी यहाँ तक की बात, क्लियर है मेरा बेटा, वेरी गुड। भाई देखो यहाँ तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा, आपसे सिंपल तरीके से साइन अल्फा क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू फाइंड करने को कहा हुआ है, हमने सिंपल तरीके से मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना यहाँ पे सिखा चुका हूँ। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे मेरा बेटा, सिंपल तरीके, जिन दो वेक्टर्स के दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाते हो, पहली रॉ में आई जे के कंपोनेंट लिखते हो, जो भी यानी कि उन वेक्टर्स के अंदर कंपोनेंट्स आए उनको लिखोगे, फिर फर्स्ट वेक्टर की तमाम वैल्यूज उन आई जे के नीचे लिखते हो, सेकंड वेक्टर की तमाम वैल्यूज सेकंड रॉ में लिख ले होते हो। द ओनली कॉन्सेप्ट हेयर इज दिस, कि आपने आई वाला कंपोनेंट आई के नीचे रखना होता है, जे वाला जे के नीचे, के वाला के नीचे। लेट सपोज आई जे या के में से गायब होगा तो वहाँ पे 0 आ रहा होगा, बहुत कॉमन सी बात है कि आई के नीचे आई आएगा, जे के नीचे जे आएगा, के नीचे के आएगा, उसको सिंपल तरीके डिटर्मिनेंट को ओपन करवा दो। डिटर्मिनेंट सिंपल तरीके से ओपन होता है, बहुत दफा सिखा चुका हूँ, आपने सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट को ओपन करवा दिया, आपके पास सिंपल तरीके से ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू आ गई। अब देखो फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, साइन अल्फा क्रॉस प्रोडक्ट बी। अच्छा अगर तो आपके पास एमसीक्यूज के अंदर सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आपके पास ये आ चुका है,
अब आपको चूंकि फॉर्मूला हमें क्या कह रहे हैं, हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है या हमें साइन क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालते हैं? ऊपर हमारे पास दो वैक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, तो अब इन्हीं दो वैक्टर जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है इनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। इस सिंबल का मतलब क्या है? वैक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड। डंडे का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यानी कि वैक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वैक्टर बी की जो वैल्यू निकालनी है इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका, हम सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। नाउ फॉर दिस, इस सिंबल का मतलब ही क्या है? इस सिंबल का मतलब ये कि भाई देखो, ये वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी जो निकाले उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरा बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान काम होता है। जो भी आपके पास आई कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, जे कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और के कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेगेटिव 5 का स्क्वायर। क्लियर? यानी कि 5 का स्क्वायर ही बनकर पॉजिटिव का हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है मेरा बेटा 49 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा 4 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो क्या हो जाएगा, 49 प्लस 4 49 प्लस 25 क्या हो जाएगा 74, एंड 2 का स्क्वायर ओनली 4 ऑब्वियसली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 78 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रूट 78 आ जाएगा। यानी कि आपके पास वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही होगी, रूट 78 आ रही होगी। क्लियर है? इस तरीके से हमने पहली वाली चीज़ तो फाइंड कर ली। अब नीचे डिवीजन में क्या है, वेक्टर ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, ये भी फाइंड कर लेंगे। भाई बच्चों वाली चीज़ है, हाथ के हाथ फाइंड करेंगे अभी। तो आइए नीचे चलते हैं, क्वेश्चन हमसे नीचे क्या कह रहा है, वो क्या क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। तो आइए जल्दी से वो भी फाइंड कर लेंगे। तो भैया सबसे पहले वेक्टर ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ फाइंडिंग फॉर वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करेंगे, देखो वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है आपको, क्या यह गिवन है 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। तो अगर मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मेरा बेटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ये सिंपल तरीके से आएगा, अंडर रूट का अंडर रूट, 2 वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। सही है? तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 4 प्लस 9 प्लस 16। क्लियर है मेरा बेटा? क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर आपका मौजूद है मेरे ख्याल में, हो जाएगा 28 29 29। क्या हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 29 आ जाएगा। यहाँ तक की बात भी क्लियर है? अब देखो आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे चाहिए इंडिविजुअल, तो सिंपल तरीके से वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। वेक्टर बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, वेक्टर बी की वैल्यू आपको गिवन है i माइनस j प्लस का k। सही है? सिंपल तरीके से आप वेक्टर बी की वैल्यूज भी फाइंड कर लोगे। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना सबसे आसान काम होता है भैया, आई का कंपोनेंट डालूंगा, आई के कंपोनेंट क्या, आई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1 होगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सिंबल, और जे का कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव के 1 का स्क्वायर, के की कॉफिडेंट क्या आ रहा है, प्लस का 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो क्या बन जाएगा, 1 1 1, क्योंकि नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 1 + 1 + 1, ये रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। अब और से देखिएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से आपके पास फाइनली ए मैग्नीट्यूड भी आ गया, बी मैग्नीट्यूड भी आ गया, और ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट बी भी आ गया। अब फाइनली वापस इक्वेशन नंबर 1 पे मूव करेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम, क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम। तो भाई देखो सिंपल तरीके से हमारे पास साइन ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, साइन ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, आपने कुछ भी मुश्किल काम नहीं करना, बहुत आसान सा काम है। देखो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आ गई रूट 78। क्या आ गई मेरा बेटा, ये आ गई हमारे पास सिंपल तरीके से रूट के अंदर अंडर रूट 78, अंडर रूट 78। वेक्टर ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड क्या आया, ये आया था हमारे पास रूट 29, और वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड क्या आया था, ये आया था रूट 3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करवा लोगे, जो भी आंसर आएगा, जो भी टर्म आपका आंसर में आ रही होगी, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपके पास फाइनली साइन अल्फा साइन ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, साइन ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही होगी, आई बिलीव इट विल बी 26, रूट 26 डिवाइडेड बाय रूट 29। कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आना चाहिए मोस्ट ऑफ। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर के स्टार्ट के अंदर से अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना भी सीख लिया, कॉस थीटा का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ जाए डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ, या कॉस यू डॉट भी निकाल के बताओ, या कॉस कोसाइन निकाल के बताओ, तो इस डॉट प्रोडक्ट का हमने क्वेश्चन भी एक सॉल्व कर लिया। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि नहीं है भाई, नहीं भाई क्या निकाल के बताओ,
साइन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताओ, साइन निकाल के बताओ दो वेक्टर्स के बिना, तो हमने सिंपल तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी सीख लिया। और हमने ना सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ये साइन या कॉस निकालना सीखा, बल्कि साथ साथ मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट इंडिविजुअल निकालना भी सिखा दिया, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो भी निकालना आ गया। अब हम लोग फाइनली इन दो तरह के क्वेश्चन जब कवर कर लिए, अब हम तीसरी तरह के क्वेश्चन कवर करने में मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करने पर जाएंगे, तीसरी तरह के क्वेश्चन कवर करने में मूव करेंगे। अच्छा, अब ये तीसरी तरह के क्वेश्चंस कवर करने से पहले, अब ये तीसरी तरह के क्वेश्चंस कवर करने के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, और ये तीसरी तरह का क्वेश्चन क्या आ रहा है, आई गेस अगेन एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 10 होगा, सही है ना। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। तीसरा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर का। हालांकि बड़ी आसान चीज़ है, बड़ी बेसिक चीज़ है, आप चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे, चुटकी बजा के, सही है भाई। सो मेरा बेटा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, या तो वेक्टर्स के टॉपिक से पहला जो तरह का क्वेश्चंस होते हैं, पहली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे साइन की वैल्यू मांग लेगा, को साइन सॉल्व करने को दे देगा दो वेक्टर्स के ऊपर, या यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन दे देगा। तो पहली तरह तो बेसिक न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते होते हैं। अच्छा भाई, तो मेरा बेटा क्या कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए सॉल्व करने में मूव करते हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर, आपसे कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर यू एंड वेक्टर वी। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। देखो सबसे पहले हमें मालूम है क्या फाइंड करना है, वी नो डैट, हमें क्या फाइंड करना है मेरा बेटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी नो डैट, वी हैव टू फाइंड, वी नो डैट, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड यूनिट, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यूनिट वेक्टर वैल्यू को फाइंड करना है। वी नो डैट वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर, या वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्लास के स्टार्ट के अंदर अगर फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी दो वेक्टर्स आ रहे हैं ऊपर, सिंपल तरीके भाई, यूनिट वेक्टर होता ही क्या है, देखो इसमें रट्टे नहीं मारने हैं, बहुत आसान फॉर्मूला है, जो भी वेक्टर होता है अगर आप उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो, उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करवाओ, डिवाइड करवा दो, सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे कौन से कर रहे होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के कर रहे होंगे, यूनिट वेक्टर हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट पर निकलेगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी मैथ्स। क्या कहा मैंने, आपके पास हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर निकलना चाहिए। क्या कहा भैया हमसे, क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर बिटवीन द टू वेक्टर। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न क्या है कि क्वेश्चन जो आपको बुक में गिवन होगा उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका यूनिट वेक्टर है बेसिकली परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स का, आपका यूनिट वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स का। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये अपने पास बेसिकली नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट पॉइंट को, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दो क्रॉस प्रोडक्ट का वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू देम, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू देम। तो अगर कभी भी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का निकालना है, या आपको कभी भी साइन निकालना है परपेंडिकुलर के ऊपर, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, कि साइन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो पॉइंट इज डेट कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, यानी कि ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर हो इन दो वेक्टर्स के, यानी कि सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको क्रॉस प्रोडक्ट की हिंट दे रहे हैं, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है मेरा बेटा बात। उसके पीछे रीजन क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दो क्रॉस प्रोडक्ट का वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उनके, इसलिए चूंकि क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर कहा हुआ है और हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट भी आपकी किताब में मौजूद है, इसलिए हम इसी को फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है मेरा बेटा। और मैंने उसके पीछे ये लॉजिक बता दी, क्या लॉजिक होती है, इस शॉर्ट पॉइंट को लिख लीजिएगा, एमसीक्यूज में ये पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम क्वेश्चन फाइंड करने पे जब मूव करेंगे तो क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन फाइंड करना बहुत ही इजी हमारे लिए, किस पैटर्न में फाइंड कर रहे होंगे, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए आपके पास फर्स्ट वेक्टर क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास मेरा बेटा जो पहला वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास वेक्टर यू की वैल्यू आ रही है आई प्लस का जे, और वेक्टर वी की वैल्यू क्या आ रही है, जे प्लस का के, सही है। सो आई नो डेट क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा, वी नो डेट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मैं आपको सिखा चुका हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, आपने अगर एक क्वेश्चन समझ लिया हर तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, सही है। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर मुझे यू और वी के दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, देखो इनके जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं मुझे साफ दिख रहे हैं दोनों वेक्टर्स के अंदर तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक आई है और एक जे और एक क्या है, के है, यानी कि मेरे पास डिटरमिनेंट का सिंबल बनेगा उसमें आई आ गया, जे आ गया और के आ गया। जो भी पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आएंगे ऊपर, यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वेक्टर जो यू होएगा उसका यू वन यहाँ पे आएगा, यू टू यहाँ पे आएगा, यू थ्री यहाँ पे आएगा, जो दूसरा वेक्टर होगा उसका वी वन यहाँ पे आएगा, देन उसका वी टू यहाँ पे आएगा, उसका वी थ्री यहाँ पे आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है।
हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया आई जे के। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, ये वेक्टर यू वन का जो वैल्यू है, यू वन मीन्स आई वाली वैल्यू, यू टू मीन्स जे वाली वैल्यू, यू थ्री मीन्स के वाली वैल्यू, और वेक्टर वी जो है हमारे पास उसमें वी वन का मतलब आई वाली वैल्यू, वी टू का मतलब जे वाली वैल्यू, वी थ्री का मतलब के वाली वैल्यू। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं भाई कि सर कहाँ से लिख रहे हैं अभी। अच्छा तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से हमारे पास यू वन की वैल्यू क्या है, आई और जे देखो मौजूद है यहाँ पे, वेक्टर यू के पास के नहीं है, तो आई और जे की वैल्यू क्या है, प्लस प्लस वाली है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वन आ जाएगा, और के चूंकि नहीं एग्जिस्ट करता तो के की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? इसी तरीके से अगर आप गौर से देखो तो वेक्टर वी की वैल्यू क्या है, ये है जे प्लस के। अब वेक्टर जो वी है ना, इसके पास जे और के मौजूद है, आई नहीं है, क्या नहीं है, आई नहीं है, तो आई के कंपोनेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जे और के चूंकि एक ही एग्जिस्ट करे तो वहाँ पे वन वन आ जाएगा। यहाँ तक की बात भी आई होप सबको क्लियर होगी, यहाँ तक की बात भी आई होप सबको क्या होगी, क्लियर होगी। अब क्या करेंगे आप लोग, अब सिंपल तरीके से हम इन वेक्टर्स का डिटरमिनेंट ले लेंगे। डिटरमिनेंट लेना सबको आना चाहिए, नहीं आता मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। मेरा बेटा डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, 3x3 के अंदर जो भी पहली वैल्यू आ रही होती है आपने उसको सेलेक्ट करना है, वो वैल्यू जिस रॉ में आ रही है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 1 0 1 1। अब आप दूसरी, अब आप फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट के पास जाओगे, इसको आप ले लोगे नेगेटिव के सिंबल के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का जे। अब ये जे जिस रॉ में आ रहा है, अगेन जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 1 0 0 1। अब जो थर्ड वैल्यू आ रही है फर्स्ट रॉ की, उसको आप क्या करोगे, उसको आप लिखोगे मगर पॉजिटिव के सिंबल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से ये आ जाएगा प्लस का के। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये के जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर हो जाएगा, बाकी की चार वैल्यूज लिखी जाएंगी। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 1 1 0 और 1। सिंप्लीफाई कर लो भाई इसको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब 2x2 का डिटरमिनेंट आ गया, 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, डायगनल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 बन जाएगा। नेगेटिव का सिंपल फॉर्मूला होता है 1 0 0 हो जाएगा, नेगेटिव का जे हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, नेगेटिव का 0 0 से हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का क्या, 1 1 1 हो जाएगा, नेगेटिव का 0 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 1 i। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का जे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का के। तो सिंपल तरीके से ये आपके पास, यानी कि वेक्टर यू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वी की वैल्यू ये आ रही होगी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर यू और वेक्टर वी का की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 i माइनस का जे प्लस का के। क्लियर है मेरा बेटा? अब चूंकि फॉर्मूले के अंदर नीचे इनका मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, तो सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड फाइंड करने भी मूव करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, इसी जो क्रॉस प्रोडक्ट को हमने फाइंड किया है, इसी का क्या लेना होता है, डिटरमिनेंट लेना है, इसी का सॉरी क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से वेक्टर यू और वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हम फाइंड करेंगे। वेक्टर देखो यू क्या वैल्यू आ रही है, ये है हमारे पास आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर नेगेटिव वन का स्क्वायर हो जाएगा, के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि वो पॉजिटिव का वन है, क्योंकि के साथ कुछ भी नहीं तो उसका वन है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर इज 1, अगेन 1 का स्क्वायर इज 1, अगेन 1 का स्क्वायर इज 1। इत्तफाक से वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे √3 आ गई। तो वेक्टर यू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने वेक्टर यू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वी भी फाइंड कर लिया और उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, तो अब यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो नाउ इक्वेशन, इसको इक्वेशन वन कह दो बेशक, क्या कह दूंगा, नाउ इक्वेशन वन बिकम, नाउ इक्वेशन नंबर वन बिकम्स, क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन नंबर वन बिकम्स। मेरा बेटा क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर, बहुत ही आसान सी, ये बन जाएगी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, ऊपर ही आ जाएगा वेक्टर, क्या वेक्टर है, 1 i माइनस का j प्लस का k। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ब्रेक करके लिख सकते हो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i डिवाइडेड बाय √3 माइनस का j डिवाइडेड बाय √3 प्लस का k डिवाइडेड बाय √3। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप स्टेप्स इंक्रीज करने के लिए, यानी कि LCM ब्रेक करके। सही है मेरा बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन फाइनली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी अपने मंतक के अंजाम पे पहुँचता है। तो भाई आज की क्लास में हमने क्या सीखा, वेक्टर्स के टाइप वन के क्वेश्चन सीखे। ये जो टाइप वन के क्वेश्चन है ना, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेपर में आते हैं। सिंपल तरीके से आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ तुम्हारे पास अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, या कोसाइन की वैल्यू क्या होगी, या कॉस इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने सॉल्व कर लिया, डॉट प्रोडक्ट लेना भी आपको सिखा दिया, MCQs में डॉट प्रोडक्ट लेना आ जाएगा इजीली सॉल्व कर लोगे आप लोग, या मैग्नीट्यूड लेना आ जाएगा इजीली सॉल्व कर लोगे आप लोग, यूनिट वेक्टर निकालना आ जाएगा डॉट का इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या सॉल्व किया था, दो वेक्टर्स गिवन होंगे और आपसे कहा जाए, लेट्स सपोज दो वेक्टर्स गिवन है, आपसे कहा जाता है कि दोनों वेक्टर्स क्या निकाल के दिखाओ, साइन निकाल के बताओ, या साइन यू क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल के दिखाओ, यानी कि आपसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो कह देगा। तो उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आप सॉल्व कर सकते हो कि आप उस किस तरीके से
दिस साइन, अगर साइन थीटा या साइन निकालने को कहता है या साइन यू क्रॉस प्रोडक्ट बी निकालने को कहता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, और सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दो वेक्टर्स का, वो भी निकालना सिखा दिया मैंने आपको। और फिर तीसरे नंबर पे हमने आज की क्लास में सीखा अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन हो और आपको उनका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने को कहा जाएगा। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के मायने क्या है कि भैया ऐसा यूनिट वेक्टर जिसके अंदर आप दो वेक्टर्स का पहले क्रॉस प्रोडक्ट हो और नीचे उन्हीं का आप मैग्नीट्यूड ले लो। तो यूनिट वेक्टर होते भी वैसे यही है कि आप सिंगल ऊपर वेक्टर रखो और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड रख दो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है ना भाई। बेसिक चीज़ है, फिजिक्स में पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आज की क्लास के ऊपर आते हैं होमवर्क के ऊपर। ये जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना मासूम सा, ये आज की क्लास का होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है कि इस मासूम से क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन नंबर वन पे एक बार सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन नंबर टू पे एक बार सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन नंबर थ्री के मेथड पे एक बार सॉल्व करना है। यानी कि इन दो वेक्टर्स का आपने एक दफा निकालना है कॉस यू डॉट वी, सही है। एक दफा इन्हीं दो वेक्टर्स का आपने क्या निकालना है, साइन यू क्रॉस प्रोडक्ट वी, और इन्हीं दो वेक्टर्स का आपने एक दफा क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। यानी कि इन दो वेक्टर्स का एक दफा निकालोगे कॉस यू डॉट वी, यानी कि यू डॉट प्रोडक्ट वी, एक दफा निकालोगे साइन यू क्रॉस प्रोडक्ट वी, और इन दो वेक्टर्स के बाद निकालोगे सिंपल तरीके से आप क्या निकालोगे एक दफा यूनिट वेक्टर। मेरा बेटा देखो, मैं आपके घर पे नहीं बैठा हुआ, बाखुदा आप निकालते हो नहीं निकालते उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा काम एज अ उस्ताद, मैं एक टीचर हूँ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर सकता हूँ, इस गर्मी के मौसम के अंदर भी लेक्चर्स को बना रहा हूँ। हालांकि बाखुदा ना तो मुझे इसको इतनी अर्निंग होती है ना ही मेरा कोई इतना फ़ायदा है, बट चूंकि बच्चे काफ़ी अर्से रिक्वेस्ट कर रहे थे सेप्टेम्बर 9 की, तो खाली मैं आप लोगों के लेक्चर्स बना रहा हूँ, वरना मुझे लिटरली इससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं भी बैठ के कॉलेजेस के MCQs बना दूँ शायद उससे ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। तो इन लेक्चर्स को करवाने की रीज़न क्या है कि वो बच्चा जो मुझसे पढ़ता है मुझे ऐसे अपना रोल मॉडल समझता है, ऐसे मुझे अपना टीचर समझता है, तो उन बच्चों के लिए लेक्चर्स करवाना बड़े ज़रूरी थे। क्योंकि वो बच्चे मुझे तकिया कलाम करके बैठे हुए थे, किसी कोचिंग सेंटर को उन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ या कोचिंग के अंदर चैप्टर नंबर 9 समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बेटा मैं बाखुदा आपके घर पर नहीं बैठा हुआ, आप मेहनत से इसको करते हो नहीं करते या आपकी फॉल्ट होगा। हाँ, कल को अगर आप मुझे ज़िंदगी में किसी मुकाम पे मिले तो मेरे लिए ज़रूरी प्राउड मोमेंट होगा जब मैं अपने शागिर्द को अपने सामने देखता हूँ और वो किसी ज़िंदगी के मुकाम पे मुझे मिलता है और मुझसे कहता है कि सर हमने आपसे पढ़ा था, तो मेरे लिए लिटरली बड़ा फ़खर का मुकाम होता है। हालांकि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी होने वाला हूँ और एक बहुत अच्छी जॉब पर भी जाने वाला हूँ। तो पॉइंट इज डेट कि यार मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अगर मेहनत करते हो और कल को मुझे ज़िंदगी किसी मुकाम पे मिलते हो और मुझे बताते हो कि यार मैंने सर आपसे पढ़ा था और आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो मेरी लिटरली बहुत बड़े फ़खर की बात होती है। माली फवाद तो बहुत कम होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो फ़खर मिलता है फ़खर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहीं पर इस लेक्चर को इसी बात पर एंड करना चाहूँगा कि यार मैंने देखो मैं उससे मेहनत कर रहा हूँ, आई होप कि आप भी मेहनत करेंगे। इस क्वेश्चन को ना सिर्फ ऐसा चैलेंज आपने एक्सेप्ट करना है बल्कि अपने फ़ायदे के लिए लाजमी करना है। ये तीनों मेथड को जब इसको करोगे तो उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्रीज होंगे, आपको पता चलेगा आपने कैसे सॉल्व करना है। बाखुदा मैं ऑल दो अब तो इंटरमीडिएट मैथ्स एक ही जगह सिर्फ पढ़ाता हूँ पूरे कराची के अंदर, वरना मैं इंटरमीडिएट मैथ्स अब इतनी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ए लेवल्स की मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इंटरमीडिएट मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ भी मैं पढ़ाता था या पढ़ाता रहा हूँ, मेरा एक स्पेसिफिक पैटर्न है। मेरा स्पेसिफिक पैटर्न क्या है, मैं इन तीन क्वेश्चन करवाने के बाद एक क्वेश्चन बच्चों को क्लास में करने के लिए लाजमी देता हूँ और तीनों मेथड पर लाजमी करने को देता हूँ। उससे बेसिक आपके कॉन्सेप्ट इंक्रीज होंगे, उससे होगा क्या जो चीज़ आपने समझी जब हाथ से आप करोगे एक बार उतारने के बाद आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे, बेहतर तरीके से वो पैटर्न आपको याद हो जाएगा। तो इसी बात पे लेक्चर को एंड करूँगा, आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई भी करेंगे, ना सिर्फ अपने पेपर्स के लिए बल्कि आने वाले सालों के अंदर भी। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ़।